झारखंड में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ 4 नवंबर 2022 को कांग्रेस के दो विधायकों के आवास में आईटी की रेड हुई थी, जिसको देखते हुए अब आईटी की जो रेड प्रदीप यादव के आवास में हुई थी, अब उसको टेक ओवर करते हुए यहां पर ईडी ने यहां पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास में ईडी की छापेमारी चल रही है और उनसे पूछताछ का जो दौर है वो फिलहाल वहाँ पर चल रहा है। हम लोग आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके आवास के बाहर की। कई जगहों पर फिलहाल ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है, इसको लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से आरोप जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सीधे सुनिए यहां पर कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। देखिए, ये हम लोगों को पहले से ही आशंका था कि महामहिम के दौरे के बाद कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के ऊपर ईडी की दबिश होगी, क्योंकि एक तो कर्नाटक हार का यह नतीजा है, दूसरा नतीजा यह है कि जिस प्रकार आरएसएस के सर्वे में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो अब बेचैनी और छटपटाहट भी अब इन लोगों के बीच घुस गई है। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रखर आवाज़ को, जो लगातार कांग्रेस दलित विरोधी और महिला आदिवासी विरोधी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनमानस के बीच लेकर के जाने का काम कर रही है, इससे पूरी तरह बेचैन हो चुकी है भाजपा। और यही कारण है कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर लगातार ईडी का दबिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सुना, जिन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर उन्हें तमाम लोगों को मालूम था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही झारखंड से वापस लौटेंगी, वैसे ही एक बार फिर से झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिलेगी, जिसका एक नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास में। क्या कुछ अब ईडी को वहाँ उनके आवास से मिलता है, क्या कुछ बातें वहाँ पर सामने आती है वो फिलहाल देखने वाली बातों की, मगर फिलहाल उनके आवास में, उनके जो सचिव है, तमाम लोगों के आवास पर अभी फिलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक ले देखते रहे रिपोर्टर पोस्ट, मैं पूजा, नमस्कार।